दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, खेल कोई नया तो सुबह शाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, तो काम कर प्यारे। तो कक्षा आठवीं इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 7 होगा, लिंक लेसन होगा ए विजिट टू कैम्ब्रिज। विजिट होता है यात्रा करना, कैम्ब्रिज स्थान का नाम है यानी यूनिवर्सिटी को ही उसकी यात्रा। रीड द फॉलोइंग पैसेज और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, पढ़ेंगे पैसेज और आंसर देंगे नीचे दिए गए। थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड, बड़ा सोच, थिंक बिग बड़ा सोचो, थिंक फास्ट जल्दी सोचो, एंड थिंक अहेड आगे का सोचो। दिस वाज द फॉर्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी की सफलता के पीछे ही फार्मूला था भाई। धीरू भाई अंबानी एक स्कूल टीचर का बेटा था, गाँव से था वो, ग्रामीण गुजरात से था वो, जन्मा था 28 दिसंबर 1932 को जन्मा था। जब वो स्मॉल बॉय था तो स्नैक बेचता था मंदिर के बाहर, पिलग्रीम्स को तीर्थ यात्रियों को स्नैक बेचता था अपने जो उसका जो नेटिव विलेज था उसका गांव था, उसके मंदिर के बाहर स्नैक बेचता था बचपन में जब लड़का था वो। पर उसका ड्रीम बहुत बड़ा था, बड़ा ड्रीम रखता था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी जब टीनेजर था यानी 10 साल से ऊपर हो गया था, टीनेजर होता है 11 साल लेकर 10 या 19 साल तक ही हो गया टीनेजर। जब धीरू भाई अंबानी टीनेजर था तो वो एडेन गया टू मेक हिज फ्यूचर, अपना भविष्य बनाने के लिए। उसने वहाँ पर पेट्रोल स्टेशन पर अटेंडेंट का काम किया, रखवाले का। तब उसने एक ऑयल कंपनी में एक क्लर्क की पोजीशन भी ली थी। मनी के साथ उसने वहाँ कमाया, रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की मुंबई में। तब उसने पहली टेक्सटाइल मिल नरोदा 1968 में साबित की थी। उसने विमल टेक्सटाइल ब्रांड भी बनाया था और वो फ्लोरिश्ड, खूब फला फूला और आज भी घरों में उसका प्रयोग होता है। व्हाट वाज धीरू भाई अंबानी फार्मूला फॉर सक्सेस, तो क्वेश्चन एक का हल है, द फार्मूला वॉज दैट थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। तो धीरू भाई अंबानी सफलता का मंत्र क्या था, थिंक बिग बड़ा सोचो, थिंक फास्ट जल्दी सोचो, एंड थिंक अहेड आगे की सोचो। धीरू भाई अंबानी वाज द सन ऑफ ए स्कूल टीचर, स्कूल अध्यापक का बेटा था भाई धीरू भाई अंबानी। थर्ड है, ही वॉज बोर्न ऑन 28 दिसंबर 1932, 28 दिसंबर को जन्मा था और सन था 1932। ही सोल्ड स्नैक टू द पिलग्रिम्स आउटसाइड टेम्पल इन ही चाइल्डहुड, अपने बचपन में बाल अवस्था में मंदिर के बाहर वो तीर्थ यात्रियों को स्नैक बेचा करता था। पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री मंदिर के बाहर आते हैं, मंदिर में आते पिलग्रिम तीर्थ यात्री, उनको स्नैक बेचा करता था भाई। फिफ्थ है, एज ए टीनेजर ही वुड वर्क, ही वर्कड एज एन अटेंडेंट इन द पोर्ट पेट्रोल स्टेशन। उसने वही अपने टीनेजर में पेट्रोल स्टेशन पर भी एक रखवाले का काम किया था। सिक्स्थ, ही ओपन हीज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन नरोदा एंड मेड इन 1906 हीज फर्स्ट टेक्सटाइल ब्रांड। तो इसमें थोड़ा गलती हो गया भाई, अपनी जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल नरोदा में स्थापित की थी, लेकिन मेड का थोड़ा है अलग है, ही मेड विमल, ये आएगा ही मेड विमल हिज टेक्सटाइल ब्रांड विच फ्लोरिश्ड, ये आएगा ठीक है विमल ब्रांड। सेवन है, फाइंड वर्ड इन द पैसेज दैट आर अपोजिट टू मीनिंग द फॉलोइंग, तो अपोजिट वर्ड बताएंगे, विलोम शब्द बताएंगे आपको, फेलर का सक्सेस हो जाएगा, वाक्य बनाएंगे, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड वाज द फार्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ माय फ्रेंड, मेरे मित्र की सफलता के पीछे यही फार्मूला था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। स्पेंड खर्च करना, अर्न कमाना, आई अर्न नेम एंड फेम, मैंने नाम प्रसिद्धि कमाई। अब वी कन्वे और गुड विशेज टू अदर, हम अपनी शुभकामनाएं दूसरों को देते हैं।
कोई भी काम जब शुरू करते हैं वे, तो यहाँ कुछ एग्जांपल हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, गुड लक, हैव ए प्रेजेंट जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी, आई होप ऑल गोज वेल, गेट वेल सून, मे लक साइन ऑन यू। तो इवेंट ही मैच द विश इज गिवन इन द बॉक्स विद द ओकेजन इवेंट मेंशन बिलो। तो विशेज को मेलान करेंगे। आई एम गोइंग टू भोपाल टू नाइट, बेस्ट ऑफ जर्नी कहेंगे, जा रहे हो तो भाई बेस्ट ऑफ जर्नी, शुभ यात्रा। दो, आई शैल कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो, डॉक्टर से मिलना है तो भाई मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो भगवान को याद आ ही जाता है याद। आई एम गोइंग टू परफॉर्म एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस टुमारो, ऑल द बेस्ट, एक प्रयोग करने जा रहा हूँ कल तो उसके लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। फोर, आई हैव टू मेक ए स्पीच इन द असेंबली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मुझे असेंबली में भाषण देना पड़ेगा मुझे, तो गुड लक। फिफ्थ, वी आर लिविंग ऑन 12th May फॉर बद्रीनाथ पिलग्रिमेज, टेक केयर, तो बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रही हैं 12 मई को, तो ये टेक केयर मतलब अपना ध्यान रखना। सिक्स है, आई विल टेक माई मैथ एग्जाम आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, परसों तो मैं मेरा एग्जाम दूंगा मैथ का भाई, तो बेस्ट ऑफ लक, शुभ भाग्य। द डॉक्टर विल कीप हिम मी इन हॉस्पिटल फॉर वीक मोर, डॉक्टर ने मुझे एक सप्ताह और रखेगा, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ भाई। वी आर गोइंग टू माउंट अबू बाई टैक्सी, हम टैक्सी के द्वारा माउंट अबू जा रहे हैं, हैव ए सेफ जर्नी, आपकी यात्रा सेफ रहे। और 9 में द रिजल्ट ऑफ IIT विल डिक्लेयर टुडे, आज IIT का डिक्लेयर रिजल्ट परिणाम डिक्लेयर हो जाएगा, आई एम गेटिंग वरीड, मैं थोड़ी चिंतित हो रहा हूँ, आई होप ऑल गोज वेल, आशा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लास्ट, आई एम गेटिंग माई न्यू शॉप इनॉगरेटेड सोन, मैं अपनी नई दुकान का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, मे लक साइन ऑन यू, भगवान करे आपका भाग्य चमक उठे। अब यू रीड इन द लिंक लेसन व्हाट एन एस्ट्रोफिजिस्ट इज, यू नाउ लुक एट द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स डिस्क्राइबिंग हिज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन को दर्शाने वाले शब्द को पढ़ेंगे भाई, और कर देंगे हलन इनका। तो स्पीकर, वक्ता, राइटर, लेखक, स्कल्प्टर, मूर्तिकार, एक्टर, अभिनेता, डेंटिस्ट, दाता, डॉक्टर, लीडर, नेता, म्यूजिशियन, संगीतकार, कार्टूनिस्ट, हास्य वाले चित्र बनाने वाला, सिंगर, गायक, आर्टिस्ट, कलाकार, कारपेंटर, लकड़िया काम करने वाला, कोबलर, मोची। तो अखिल परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टेज पर परफॉर्म करता है, अदाकारी पेश करता है, ही साइन एंड अट्रैक्ट द क्राउड, सिंगर, तो सिंगर है वो, यहाँ पर अदाकारी पेश करता है तो गाता है। तो मेरा मेक ड्राइंग पेंटिंग, तो भाई ड्राइंग बनाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट कलाकार। राम क्रिएट ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, मूर्ति, सुंदर मूर्तियां का निर्माण करता है, तो स्कल्पचर, मूर्तिकार। चार में मोहन रा, फनी कार्टून फॉर द न्यूज़पेपर, अखबार के लिए फनी कार्टून बनाता है, तो कार्टूनिस्ट। रेनू हैज एक्टेड इन मैनी टीवी शो एंड मूवीज, एक्टर, तो एक्टिंग करने वाला एक्टर होता है, तो रेनू भी एक्टर है, एक्ट्रेस है। कविता, राइट्स पोइम, कविता, कविता लिखती है, एंड शॉर्ट स्टोरी, तो कहानी लिखने वाला, पोइम लिखने वाला राइटर होता है, लेखक। प्रखर, प्ले द गिटार इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा पर गिटार बजाता है, तो म्यूजिशियन, संगीत देने वाला म्यूजिशियन। When we report someone's speech, actual word spoken, certain grammatical change are made. Let's revise the change pertain. तो ऊपर reported speech की बात हो रही है भाई, narration की बात हो रही है, वर्ण की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये टेंस चेंज हो जाएगा भाई, फर्स्ट वर्ब सेकेंड में हो जाएगी, इज कमिंग का वाज कमिंग हो जाएगा narration में, reported speech में, और हैज कम का हैड कम हो जाएगा, हैज बिन कमिंग का हैड बिन कमिंग हो जाएगा, सेकेंड वर्ब का हैड कम हो जाएगा, केम का हैड कम हो जाएगा, वाज कमिंग का हैड बिन कमिंग हो जाएगा,
और जितनी मॉडल हैं, व्हील है, जैसे व्हील का वुड हो जाएगा, सेल का सूड, कैन का कुड, मी का माइट हो जाएगा, एयरपोर्ट इस बीच में चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी चेंज होंगे, भाई नरेशन बनाते समय, रिपोर्ट बनाते समय प्रोनाउन भी चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन है जो स्पीकर में आते हैं, जो भी स्पीकर फर्स्ट पर्सन में, जैसे आई माई मी वी अवर अस, ये बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सी सैड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ, इसका अगर हम नरेशन बदलें, इंडेक्स बनाएं, तो सी सैड दैट, दैट आता है सिंपल वाक्य है, तो अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर दैट आ जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट सी, तो सी हो जाएगा, आई का सी और सी के साथ ही जाएगा, लेकिन भूतकाल अब बनाना पड़ेगा वाज, सी वाज हैप्पी, खुश थी, तो टेंस बदला है, प्रोनाउन बदला, सी वाज हैप्पी। सेकंड पर्सन यू परिवार, सेकंड पर्सन में था यू परिवार, यू यू और यो, तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई सेड टू हर यू आर ऑन टाइम, मैंने उससे कहा तुम समय पर हो, तो आई टोल्ड हर दैट, जब तो रिपोर्टिंग, जब तक इन्वर्टेड कोमा के अंदर साधन वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, तो दैट लगा लो बस, आई टोल्ड हर दैट, तो यहाँ पर सी फिर आ गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा सेट टू के बाद जो व्यक्ति आया हर उसके अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर का सब्जेक्ट रूप सी होता है, सी इज एम आर को वाज वर्ब देते हैं, सी के साथ वाज आएगा ऑन टाइम। और थर्ड पर्सन है ही सी, वो चेंज नहीं होते, दे चेंज नहीं होते, बल्ले बल्ले, सी सैड ही इज प्लेइंग क्रिकेट, उसने कहा क्रिकेट खेल रहा है, ही सी सैड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो टेंस बदला, इसका वाज हो गया, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। कुछ वर्ड भी चेंज होते हैं नरेशन में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट वाले कुछ वर्ड चेंज होते हैं, जैसे नाउ का देन, दिस को दैट, दीज का दोज, सैड को टोल्ड मी, हियर को देयर मी, दस सो, कम गो, टुडे का दैट डे, टुमोरो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, एगो बिफोर। और जो प्रोनाउन का फार्मूला है, तो फर्स्ट पर्सन है जो, वो सब्जेक्ट के अनुसार टू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ये प्रोनाउन का भी फार्मूला है। डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन वर्ड, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर पर्सन वाचक वाक्य आता है डब्ल्यू एच वाला, यानी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस, इन पर्सनों का उत्तर ये सुनो में नहीं दिया जा सकता, तो डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस, इनमें जो डब्ल्यू एच का जो वर्ड है वही रहेगा, दैट नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा। और सेट टू को आस्क या इंक्वायरी डिमांड में चेंज करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, दैट नहीं लगता। सी सेट टू मी व्हाट इज योर नेम, सी आस्क्ड मी, तो पर्सन पूछा है तो टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट का व्हाट रहेगा, फिर माई नेम, योर का योर सेकंड पर्सन, तो मी के अनुसार, तो मी का जो पजेसिव रूप माई है, माई नेम वॉज। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे भाई, तो हाउ है, वाई है, व्हाट आ जाए है, वेयर आ जाए, व्हेन आ जाए, तो आस्क्ड आएगा, सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, और जो हाउ है हाउ रहेगा, वाई भी वाई रहेगा, फिर सब्जेक्ट को बदलते हैं, जैसे यू का आई यहाँ पर चेंज हुआ है, टेंस बदलते हैं, गोट हो गया सेकंड वर्ब, ऑल दैट दिस का दैट हो गया, तो ये आपने बार बार सीखना पड़ेगा, मुझे तो सीख ली, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब है हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाले, ही जे एम आर से शुरू होने वाले जो डायरेक्ट स्पीच है उनका भी हल है, तो उनमें ही आएगा, ई जे एम आर के स्थान पर जो वाक्य है वो हटेगा, इफ आएगा, पहले जो व्हाट था, वेयर था जाता था, सेम आ जाता था, लेकिन इनमें इफ आएगा,
जैसे ही सेड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम, उसने मुझसे कहा क्या तुम भयभीत नहीं हो। आई आस ही आस्क्ड मी इफ आई वाज नॉट अफ्रेड, तो इफ आ जाएगा बीच में और प्रोनाउन होगा चेंज यू है जैसे सेकंड पर्सन है मी के अनुसार, तो सब्जेक्ट रूप आई आ जाएगा मी का और टेंस बदलेगा आई का तो आ जाता है नॉट अफ्रेड। प्रैक्टिस मैं के में परफेक्ट, तो यही फाड़े सेंटेंसेस हैं कैसे चेंज होंगे। जैसे राम सेड टू सोहन डू यू नो दिस क्वेश्चन, राम आस्क्ड सोहन इफ ही न्यू, सेकंड वर्ब जाएगी इफ ही न्यू दोज क्वेश्चन, तो आप इनको देखें समझें। मेहुल विद हिज फैमिली वेंट ऑन हॉलीडे ऑन रणथंभौर नेशनल पार्क, मेहुल गया था अपने परिवार के साथ नेशनल रणथंभौर नेशनल पार्क गया था राजस्थान में छुट्टियों में, उसने वहाँ पर अच्छा समझा लिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी उन्होंने वहाँ पर, जानने को मिला नेचुरल हैबिटेट ऑफ जंगली जानवरों का निवास स्थान कैसा होता है, बर्ड्स का, प्लांटेशन का। तो वह चाहता है कि अपने अनुभव को वो अपनी चचेरी बहनरी माँ को बताए, तो पत्र के माध्यम से कैसे बताता है। उन्होंने हिलिंग भी दिया है कहाँ है, मुंबई से इतनी दूर है, कैसे पहुँचना है, क्या क्या देखा, तो इसका पूरी डिटेल देखा है पत्र में। तो एग्जामिनेशन हाल एक्स वाई जेड में 20 तो भी सन लिख देंगे, डियर रीमा लिख देंगे, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, आई एम फाइन हियर, मैं अच्छा हूँ एंड होप सेम फॉर यू, ऐसा करता हूँ वैसी ठीक होगी। आई वेंट ऑन ए हॉलीडे और टू रणथंभौर नेशनल पार्क विच इज इन ईस्टर्न राजस्थान, मैं छुट्टियों में रणथंभौर नेशनल पार्क गया था और ये पूर्वी राजस्थान में है। इट इज़ ए 180 माइल्स फ्रॉम मुंबई, मुंबई से 180 माइल दूर है भाई। वी वेंट देयर बाय ट्रेन, ट्रेन से गए रेलगाड़ी से एंड इट टुक अस 15 आवर, इसे 15 घंटे लग गए। आई सॉ लॉट ऑफ ट्रीज, मैंने काफ़ी पेड़ देखे, एनिमल देखे, देयर वर थ्री हंड्रेड काइंड ऑफ ट्रीज, 300 प्रकार के पेड़ थे और 50 एक्वेटिक प्लांट, 50 प्रकार के जलीय पौधे थे, 272 बर्ड्स देखे हमने और 12 रेप्टाइल जैसे रेंग के चलने वाले कीड़े मकोड़े, 30 मैमल देखे और 30-40 लेपर्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ पैंथर देखे हमने, तेंदुए देखे, पैंथर भी देखे। इट वाज रियली फन, बहुत मज़ा आया। आई एडवाइज यू टू विजिट देयर टू, तुम भी वहाँ पर जाओ, मेरी इच्छा है। पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट, तुम्हारे माता पिता को मुझे नमस्ते कह देना, मेरी नमस्ते कह देना। यू आर लविंग, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना भाई।